किसी भी वर्ग की बात की जाए, सभी लोग आपके साथ यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, आपके विकास की सोच को आगे विधिवत उद्घाटन किया, जोरदार तालियां। सुजानपुर मंडल भाजपा की ओर से जो हमारी हिमाचली कर सके विकास कार्यों की जो है उनको परिणति तक पहुंचा सके, माननीय हम भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। अपने युवा नेता का ओजस्वी ने हमारे दिलों को छूता है, जोरदार तालियां। एक बात को सुनीता दिवांशी, डॉटर ऑफ बबीता, मुश्किल होगा सबको ना। अधिकारीगण, हमारे मध्य प्रशासन की ओर से उपस्थित अतिरिक्त उपायुक्त श्री रतन गौतम जी, अतिरिक्त पुलिस से ही आग्रह करता हूं कि आप जमीन, उचित जमीन यहां पर ढूंढें ताकि हम अपने सुजानपुर में एक सैनिक स्कूल तो है लेकिन केंद्रीय विद्यालय भी आपके लिए भविष्य में खोल कर दें, इसके लिए हम आपके लिए काम करें। शहर के आसपास या शहर में ही आप जमीन उपलब्ध करवाएं ताकि हम अपने खिलाड़ियों को आउटडोर खेलने के लिए यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और इंडोर के लिए जहाँ पर आप भूमि उपलब्ध करवाएंगे वहाँ पर उनको इंडोर की फैसिलिटी भी बनाकर दे दें। जो सामान हमें प्लास्टिक के इन थैलियों में भी बंद करके बेचा जाता है, प्लास्टिक के पानी की बोतलें भी बेची जाती हैं, हम उनको भी खरीदना बंद करेंगे ताकि हमारे हिमाचल के साथ और हिमाचल को पॉलिथीन मुक्त किया जा सके, इस दिशा में हम आगे बढ़े। इसके लिए भी हम सब इकट्ठे मिलकर संकल्प लें। बलेट में जो पुल बनना है उसके लिए भी लगभग 10,86,00,000 रुपया खर्च आएगा, 65% काम हमने इसका पूरा कर लिया है और जल्द ही इसका काम पूरा करके आपको इसको समर्पित कर दिया जाएगा। नेशन न्यूज के लिए हमीरपुर से कमल राघवन की रिपोर्ट। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।